बजे से प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ पे अभी भी लोग हैं, कुछ लोगों को जाना पड़ा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक 10 मिनट का समय लेंगे। देखिए, जीवन में सक्सेस हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन कोई एक चीज हमें रोकते है, और जब तक हम उनको ढूंढने निकलेंगे ना, जीवन में कुछ नहीं हो पाएंगे। आप जो भी लोग स्टार्टिंग से लेके अंत तक इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, यहाँ पे एक एक व्यक्ति उनके जो एक्सपीरियंस आप लोगों के शेयर करके गए। हालांकि आज स्टेज था, क्राउन एम्बेसडर अहबाब आप लोगों को सुनने का मौका मिला है, लेकिन एक चीज देखिए, कोई बोल रहा है यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर, कोई बोल रहा है डबल क्राउन एम्बेसडर, कोई बोल रहा है ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर। कौशिक जी ने उनका जो एक्सपीरियंस है, आपने जोश के साथ आप लोगों के सामने प्लान शेयर किया, आखिरी में स्टैंड सर आके कंपनी का क्या प्लानिंग है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, हर एक चीज को शेयर किया। मुझे लास्ट 4 साल से इस स्टेज के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, ना जाने कितने नया चेहरा यहाँ पे आ रहा है और कितने चेहरा जा रहा है, उनके अंदर लोगों को सक्सेस मिल रहा है। मैं बोलता हूँ हमेशा, ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री खड़े रहने का धंधा है, और इस इंडस्ट्री में खड़े रहना बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। जीवन के अंदर आपको हर एक चीज चाहिए, आपको खुशी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, सिर्फ एक ही चीज तो है जो हमें रोकता है। और जिस दिन पता चल जाता है कौन सा है जिस कारण के लिए हमें सक्सेस नहीं मिलता है, उस दिन ही आपको सक्सेस मिलता है। आपको पता है आपको कौन सा चीज रुकते है? हाँ, एक ही चीज है जो चीज हमें हमेशा रुकते है, और जिस दिन इसका तलाश हमें मिल जाते है, उस दिन हमें कोई रोक ही नहीं सकते। हमने पीछे भी ये कहानी बताया था, आज समय काम है, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं। सिर्फ मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, एक राजा ने एक राजा को एक गिफ्ट दिया था, एक राजा ने एक राजा को एक गिफ्ट दिया था, और गिफ्ट उस राजा को काफी पसंद आया। वो गिफ्ट क्या था आपको पता है? वो गिफ्ट था बाजपा की। बाजपा की पता है आपको? सबसे ज्यादा जो उड़ान मारते हैं, राइट? तो उन्होंने जो पहला राजा राजा को जो गिफ्ट दिया था, उन्होंने दो बाज पंखी दिए थे, पंछी दिए थे, और राजा को बोला था, ये जो बाज पंछी है, ये आपको बहुत अच्छा शिकारी के रूप में आपको देख रहा हूं। तो राजा बहुत खुश हुए, खुश होने के बाद उन्होंने उनके मंत्री के पास वो पांच पंछी दे दिए, और देने के बाद उन्होंने बोला, इसका नाखून बहुत शानदार है, और आने वाले दिन के अंदर ये बहुत अच्छा उड़ान भरेगा, और आपने युद्ध के लिए बहुत अच्छे काम आएंगे। ये सोच करके राजा ने मंत्री को दिया। तो मंत्री ने 1 महीना 2 महीने के बाद ये बताया कि सर, आपने, राजा जी, आपने मुझे दो बाज पंछी दिया, लेकिन एक बाज पंछी बहुत उड़ान मारते, और एक बाज पंछी जो उड़ान मरती नहीं है, तो इसका रीजन क्या रहा? तो इन्होंने, राजा ने बोला कि आप एक काम करो, दूसरे कोई ट्रेनर को लेकर आओ, लेके उनको ट्रेनिंग करो, ट्रेन करो, हो ही नहीं सकता है, एक बाज पंछी के दो बच्चे हैं और उनमें से एक उड़ान मार सकता है, दूसरा उड़ान मारने से तो हो ही नहीं सकते। सब लोगों ने लगा कोशिश किया उसको उड़ाने के लिए, लेकिन वो बाज पंछी उड़ती ही नहीं है, और एक जब उड़ान मारते तो दुनिया देखते रहते हैं। तो ऐसे मंत्री बहुत परेशान थे, राजा को जाके बोला, राजा बोले, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे देखना है तुम्हें आता हूं, आने के बाद देख रहे कि एक बाजपंछी बहुत उड़ान मार रहा है और एक बाजपंछी जो है उड़ान ही नहीं मार रहे। सब लोग हैरान है, और एक जुबा आते आके बोलते, मैं ये जो दूसरा जो पंछी है इसको मैं उड़ा सकता हूं। मंत्री ने सोचा, मैंने कितना ट्रेनर को लेकर आए, कितना कुछ क्या कर नहीं सकते, ये बंदा एक गांव का बंदा क्या कर सकते है? उस गांव के बंदा आके, सिर्फ एक ही चीज है जो हमें रोकता है, उस चीज को उन्होंने ढूंढ के निकाला। क्या है पता आपको? जब दो पांची को उड़ाया जाता था, दो बाज को उड़ाया जाता था, एक बाज उड़ान मारते थे और एक बाज जाके एक पेड़ पे जाके बैठते थे, और उस गांव के लड़का ने क्या किया, सुबह आके उस पेड़ को काट दिया और दो पंछी को उड़ा दिया, दो पंछी उड़ के चला गया। और साले, हमारा तो एक ही प्रॉब्लम है कि हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से निकल जाओगे ना, आप भी उड़ान मार सकते हो, आपको भी सक्सेस मिल सकते हैं, आपको भी स्टेज मिल सकता है, आपको भी ताली मिल सकते है। एक ही प्रॉब्लम है जो हमें रोकते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन, और हमारे अंदर एक ही दुख है, हम गरीब है। हमारे अंदर एक ही दुख है, क्योंकि मेरा अपलाइन सही नहीं है। हमारे पास एक ही दुख है, क्योंकि हमें पावर लाइन नहीं मिला है, और इसके लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा बोलता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पहले सोचते बहुत कुछ, लेकिन करते कुछ नहीं है। इस जीवन के अंदर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप कौन सा एक्शन लेना चाहते हो।
आपके जीवन के अंदर एक्शन बहुत जरूरी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करना है, एक ही तो है, हमें कोई प्रोडक्ट जुड़े जुड़ना है और दो लोगों को जुड़ना है, दो लोग चार लोगों को जुड़ेंगे, चार लोग आठ लोग को जुड़ेंगे, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएंगे और घर के अंदर पैसा आते रहेंगे। ही अपना सोचे, हमें इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। एक पेड़ भी लगाता है, पेड़ में सार भी देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, उसके बाद हम पेड़ से फल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप कैसे सोच रहे हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाओगे, दो व्यक्ति को जोड़ दोगे, दो व्यक्ति चार व्यक्ति को लेकर आ जाएंगे, आपके घर पे पैसा आ जाएंगे, ये सोच से नेटवर्किंग नहीं होता है। 17 साल उम्र में इंडस्ट्री में आए, ना जाने कितने ना सुना, ना जाने कितने लोगों का ताना सुना, और आज कंपनी खुल के बैठा हूं, और ना केवल कंपनी खुल के बैठा हूं, और इस 4 साल के अंदर इंडिया में राज कर रहा हूं। एक ही कारण था, कंफर्ट जोन से निकला था, दोस्तों जो कंफर्ट जोन में रह जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। सास घर से बाहर जाने नहीं देता है, हस्बैंड किसी के साथ बात करने नहीं देता है, माँ बोलते हैं पढ़ाई कर, दोस्त बोलते हैं नहीं होगा, गर्लफ्रेंड बोलते हैं हाथ पकड़ के घूमने के लिए चलो। एक ही सोच है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जीवन के अंदर ये तय होना जरूरी है, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन के अंदर लक्ष्य क्या है। जब तक आप आपके जीवन के अंदर आपके लक्ष्य को निर्धारित कर नहीं पाएंगे, दोस्तों जीवन के अंदर कुछ नहीं होने वाले। दोस्तों आज आप कलकत्ता में बैठे हो, आज कलकत्ता के अंदर जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, इस कंपनी से लोग महीने में 20 लाख का भी पे आउट ले रहे हैं और वही कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो। दोस्तों जो बंदा 20 लाख का पे आउट ले रहा है, वो है वो बाज जो कंफर्ट जोन में जाके कभी नहीं बैठा है, और आज जो आप 2000 का भी पे आउट ले नहीं पा रहे हो, आप है वो बाज जहां पे कंफर्ट जोन में बैठ गए हो। कौन है वो? है आपके माँ, वो है आपके पिता, वो है आपके गर्लफ्रेंड, वो है आपके दोस्त, वो है आपका सोच। इधर से आपको निकलना तो पड़ेगा। अगर जीवन के अंदर कुछ करना है तो आपको निकलना पड़ेगा। जीवन के अंदर एक ही तो चीज है जो है सोच, और मैं हमेशा बोलता हूं एक बार सोच के तो देखो। जीवन के अंदर आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाता है। दोस्तों आपको वो कंपनी मिल गया जो कंपनी शुरुआत के दिन में डिक्लेयर किया था 2018 में 2025 का टॉप 5 है। ना जाने कितने लोग आज भी देख रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, आज तो लोग समझ चुका है इस बार तो गोपाल कुंडू करके ही लेगा। एक ही चीज है वो है सोच। जीवन के अंदर हर एक काम में परेशानी है, हर एक काम में परेशानी, हर एक चीज के अंदर कठिनाई है, हर एक कठिनाई, हर एक परेशानी दूर हो सकता है अगर आप सोचते हो। ये तो कमो नहीं, ये तो होना ही है। दोस्तों अगर जीवन के अंदर चलना है तो गिरना जरूरी है। जितने बार गिरोगे उतने बार खड़े होगे, जितने बार खड़े होगे उतने बार उड़ान भरोगे, क्योंकि उड़ान भरने के लिए सोच ही तो चाहिए। So, दोस्तों आज सुबह से लेके आप घर के बाहर निकले हो, आपके सोच आपको यहाँ पे लेकर आए, और 3 बजे से लेके अगले 7:30 बजे तक यहाँ पे बैठे हो, 7.5 घंटा आप दे चेक हो, ये भी आपका सोच है। अभी तो आपको एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, और खुद के जीवन के अंदर जितने सारी परेशानी है उस परेशानी से आपको बाहर निकल रहे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मीटिंग यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे और एक लीडर है जिस लीडर का नाम है जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था उम्र बहुत ही कम था, आई थिंक 17 साल उम्र में मैंने नेटवर्किंग शुरू किए थे। जब इनके साथ मिले थे मेरा 21 साल उम्र था, इंडस्ट्री के एक जाने माने लीडर के हिसाब से जानते थे, सक्सेस उनके पास तब भी था आज भी है, और संपर्क ऐसे बन चुके थे बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते बन चुके थे। लास्ट 2-3 महीने में उन्होंने निर्णय ये लिए थे, इसके पहले जो भी कंपनी किए कलकत्ता के बाहर के कंपनी किए, लास्ट 2-3 महीने में उनको निर्णय बना है कि इस बार गोपाल जी के साथ जुड़ते हैं और इस बार बेंगलुरु के कंपनी के साथ काम करते हैं। अभी इनके उनके डिजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव क्राउन में मैंने 1.5 लाख भी मेंटेन कर रहा है,
अगले बहुत ही जल्दी एज ए क्राउन एम्बेसडर बन के इस मंच पे आएंगे, और आज उन्होंने अपने कुछ लोगों को लेके इस मीटिंग में आए। मैं स्टेज आने के लिए आमंत्रित करता हूँ मिस्टर राजकुमार राय को। कुछ बाहर से लोग आए हुए, कितने लोग राजकुमार जी से बाहर से आए हुए हैं? मालदा से कुछ लोग बाहर से आए, एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। जितने भी लोग राजकुमार जी से बाहर से आए, वाओ, करीबन 20-25 लोग आज इस मीटिंग में आए। मैं हर एक सर्वसेन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन लोग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और राजकुमार जी को बोलूंगा 2-3 मिनट के अंदर उनका जो सोच है, जो विचार है, क्योंकि हमें मीटिंग को वाइंड अप करना है। जस्ट 2 मिनट आपके पास है इसे मैसेज कन्वे करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का विश और ब्लेसिंग से उन्होंने और भी आगे बढ़े, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे कंपनी आई थिंक एक दिन आएगा कि ब्रांड एम्बेसडर के रैंक पे जाएंगे या ऐसे आइकॉन बनेंगे जरूर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू। और बाकी वर्धमान से कुछ लोग आए हुए, वर्धमान से जितने लोग आए, राजकुमार सहानी जी के टीम से एक बार खड़े हो जाइए। तो कम से कम तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। और मैं स्टेज में बुलाना चाह रहा हूँ मेरे पार्टनर मिस्टर प्रशांत गुंडू एंड मिस्टर सुभाष साहू को। प्लीज कम ऑन द स्टेज।